दोस्तों, बदलते वक्त के साथ कमाई का तरीका भी बदल रहा है। अब इनकम के उस सोर्सेस पर फोकस किया जाता है जहां मेहनत कम और कमाई ज्यादा होती है। यानी आप एक ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जहां आपको रोजाना एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि हमारी दुनिया जैसे जैसे मॉडर्न होती जा रही है, लोग पैसिव अर्निंग पर फोकस करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पैसिव अर्निंग क्या होती है और इसके जरिए हम किस तरह ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। आज आप इस वीडियो में यही सब जानेंगे। हम आपको पैसिव अर्निंग के वो 10 शानदार मेथड बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप बैठे बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव अर्निंग क्या होती है। एक्टिव अर्निंग उसे कहते हैं जो काम के बदले में होती है। यानी अगर आपने एक दिन में 5 घंटे काम किया तो आपको 500 रुपए मिलेंगे, अगर काम नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ पैसिव अर्निंग उसे कहते हैं जो किसी काम को एक बार एस्टेब्लिश करने के बाद लगातार होती रहती है। यानी आपको काम तो करना है लेकिन जरूरी नहीं कि आप रोजाना काम करें। पैसिव अर्निंग आपको ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराती है जहां आप बिना काम के भी पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अब उन मेथड के बारे में भी जान लेते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। दोस्तों, अगर आप किसी एक फील्ड के माहिर है उस पर रिव्यू लिख सकते हैं तो फिर यूट्यूब चैनल बनाकर आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। मोबाइल और गैजेट पर तो ढेर सारे लोग रिव्यू लिखते हैं। आप कुछ ऐसा करें जो नया होने के साथ ट्रेंड में भी हो। आप रिसर्च करके ट्रेंड के बारे में पता कर सकते हैं। आप किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करके उसके प्रोडक्ट का रिव्यू भी कर सकते हैं। कंपनी इसके लिए आपको पैसे देगी, बस आपका चैनल चलना चाहिए। और ये भी तय है कि जब आप अच्छी तरह रिव्यू करेंगे तो आपका चैनल ग्रो करेगा। बहुत से लोग यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर कुछ भी डालते रहते हैं जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। लेकिन अगर आप रिव्यू के लिए चैनल स्टार्ट करेंगे तो इसमें स्कोप है। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके भी आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें खरीदने पर आपको हर महीने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। कई ऐसी कंपनियां भी है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। यानी कंपनी को जो भी मुनाफा होता है वह उसे शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है। आसान शब्दों में कहें तो आपको दो तरह से पैसे मिलते हैं। जहां एक तरफ कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ने पर आपको भी बढ़े हुए पैसे मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उस कंपनी के मुनाफे में भी हिस्सेदार बन जाते हैं जिसे डिविडेंड कहा जाता है। बस आपके पास कंपनी के स्टॉक्स होने चाहिए। ATM ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। यानी ATM पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। ATM के तहत आप दो तरह से पैसिव इनकम बना सकते हैं, रेंट और फ्रेंचाइजी। ये दो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर शहर में आपके पास एक कमरे की जगह है तो आप इसे बैंक को रेंट पर दे सकते हैं। बैंक ऐसी जगह पर ATM लगाते हैं जिसके बदले में आपको किराया मिलता रहेगा। इसी तरह अगर आपके पास खाली जगह है तो आप फ्रेंचाइजी के तहत बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC को भी किराए पर दे सकते हैं। बैंक और NBFC को अपनी ब्रांच खोलने के लिए शहर या फिर टाउन एरिया में खाली जगह की जरूरत होती है। इसके लिए आपको एक हैंडसम अमाउंट पे किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप ATM फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इसमें आपको किराया तो नहीं मिलता लेकिन आपको इसमें 1 से 3 लाख रुपए तक डिपॉजिट कराने होते हैं। ATM में एक दिन में जितना लेन देन होगा उसी आधार पर आपकी कमाई भी होगी। अगर आपका घर अच्छी लोकेशन पर है तो आपकी इनकम ज्यादा हो सकती है। ब्लॉगिंग विद एफिलिएट मार्केट एंड स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, ब्लॉगिंग के जरिए भी आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। हालांकि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी टॉपिक पर ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, फिर उस पर सैकड़ों आर्टिकल्स डालकर महीनों ट्रैफिक का इंतजार करते हैं। इससे बेहतर है कि आप एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप के लिए ब्लॉगिंग करें। इसमें आपको लाखों के ट्रैफिक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन फैशन, क्रिप्टोकरेंसी और ब्यूटी से लेकर टेक प्रोडक्ट जैसे ढेर सारे एफिलिएट प्रोग्राम नेट पर मौजूद हैं। आप जिस फील्ड में भी एक्सपर्ट हो अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं। आप उसमें एफिलिएट प्रमोशन कीजिए। अगर आपका ब्लॉग चल गया तो फिर पैसों की कोई कमी नहीं होगी। रेंट। दोस्तों, एक प्रॉपर्टी आपको जिंदगी भर कमा कर दे सकती है। रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसमें आपको अच्छा रेंट मिलता है। कंपनी को ऐसे कमर्शियल प्लेसेस की जरूरत होती है जो अच्छे लोकेशन पर मौजूद हो। इसीलिए अगर कहीं आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी परचेजिंग से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी जगह को रेंट पर देकर बड़े पैमाने पर पैसिव इनकम बना सकते हैं। बड़े शहरों में यह चलन काफी दिनों से है लेकिन अब छोटे शहरों में भी कंपनियां इस तरह की लोकेशन की तलाश में रहती है। ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, अगर आप किसी भी एक प्रोफेशन के माहिर हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए पैसिव इनकम गेन किया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मैथ, इंग्लिश या फिर साइंस वगैरह के टीचर हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग या फिर स्पोर्ट्स में माहिर है। इसके तरह के लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके पैसिव इनकम बना सकते हैं। एक कोर्स को सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है और इसके बाद आप इसे कई सालों तक सेल कर सकते हैं। ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां अपने कोर्स को डाल सकते हैं, बशर्ते आप कोई ऐसा इवेंट करें जिसे
आपकी लोकप्रियता बढ़ जाए। आमतौर पर लोग उसी के कोर्स को ज्वाइन करते हैं जिनके बारे में पहले से ही जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके डांस का कोई वीडियो वायरल हो जाए तो आप डांस के कोर्स को शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको पहले अपनी रेपुटेशन बनाना होगा, और अगर एक बार रेपुटेशन बन गई तो फिर आप घर बैठे लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। शुरुआत में फ्री में वेबिनार शुरू कर सकते हैं, जब ये चल जाए तो उसे पेड कर सकते हैं। रेंट व्हीकल सर्विस। दोस्तों, अगर आपके पास कार, बाइक या फिर स्कूटर है तो आप उनकी मदद से भी पैसिव इनकम बना सकते हैं, यानी आप अपने व्हीकल को रेंट पर देकर पैसे कमा सकते हैं। कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा गाड़ियां होती है या फिर छुट्टी के दिनों में उनका कोई यूज नहीं होता, तो ऐसी गाड़ियों को आप रेंट पर दे सकते हैं। शादियों में अच्छी कार की डिमांड रहती है। अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर रहते हैं तो आप अपनी बाइक या बुलेट वगैरह को किराए पर दे सकते हैं। गोवा जैसे स्टेट में यह चलन काफी सक्सेसफुल है। फॉरनर्स टू व्हीलर्स को किराए पे लेकर अच्छा रेंट देते हैं। आप इस बारे में कुछ नया भी सोच सकते हैं, यानी प्रोफेशनल एटीट्यूड के जरिए आप अपनी गाड़ियों की मदद से भी पैसिव इनकम गेन कर सकते हैं। पीयर टू पीयर लैंडिंग। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से पीयर टू पीयर लैंडिंग का बहुत चलन हुआ है। पी टू पी लैंडिंग की वजह से आपको 10-20% तक हाई रिटर्न मिल सकता है। आपको इसके लिए बैंक के पास भी नहीं जाना पड़ता, यह लेन देन पब्लिक के बीच होता है, यानी सर्विस प्रोवाइडर के पास इसका कमीशन पहुंच जाता है। यह कमाई का नया जरिया है जिसे लोग अपना भी रहे हैं। हालांकि आपको इसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना होगा, यानी उधार देने के मामले में ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो आपको सही समय पर रिटर्न दे सके। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो पीयर टू पीयर लैंडिंग के तहत उधार तो ले लेते हैं लेकिन कर चुकाने में लेट लतीफ दिखाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीयर टू पीयर लैंडिंग वेबसाइट मार्केट प्लेस की तरह काम करती है। ये ऐसे लोगों को जोड़ती है जो पैसा उधार देना चाहते हैं। चूँकि बैंक का प्रोसेस बहुत ही जटिल होता है, इसीलिए लोग उधार पैसे के लिए पीयर टू पीयर लैंडिंग पर भरोसा दिखा रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले तक कैलकुलेटर को फिजिकल यूज किया जाता था, इसके बाद कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर आने लगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आपको इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कैलकुलेटर सर्च करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना तो मशीन के रूप में कैलकुलेटर को सेल करना है और न ही इसे सॉफ्टवेयर के रूप में, बस आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेकर लोग ईएमआई कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर या सिंपल कैलकुलेटर की सुविधा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर्स को आईसीयू चेकर टूल से लेकर इमेज कंप्रेशन टूल तक दे सकते हैं, यानी यूजर्स को वेबसाइट के लिए जिस तरह के भी टूल चाहिए आप वो सभी प्रोवाइड करा सकते हैं। बस आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, उसे डेवलप करके वहीं फीचर्स डालें जिनकी डिमांड रहती है। वर्ल्डप्रेस फोरम वेबसाइट। दोस्तों, फोरम वेबसाइट के जरिए आप भी पैसिव इनकम गेन कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर ब्लॉगिंग काम नहीं करती क्योंकि लोगों के पास कंटेंट नहीं होते, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके पर काम करेंगे तो पैसे भी बनेंगे। मिसाल के तौर पर आपने म्यूजिक के टॉपिक पर एक फोरम बना लिया जहां लोग आकर म्यूजिक पर चर्चा करते हैं। यहां आपको ऑटोमेटिक कंटेंट मिलते रहेंगे, यानी आपको कंटेंट जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स या मेंबर खुद ही टॉपिक डिसाइड करते हैं जिसकी वजह से कंटेंट बनते रहते हैं। बस आपको टॉपिक चूज करना होगा, जनरल टॉपिक इसमें काम नहीं करते। इसके अलावा आपको इसका एसईओ करना होगा, यानी आपको बस अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है। एक ऐसा इंटरफेस बनाना है जो लोगों के लिए आसान हो। गूगल एडसेंस, स्पॉन्सर, एफिलिएट प्रमोशन और मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेकर आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा, इसीलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा करने से आप हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर देंगे। ज्ञान टीवी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो लगातार बना रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, हमारी टीम को इसे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।